देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से सभी त्रस्त हैं। वहीं बढ़ती महंगाई ने भी लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आम नागरिक जैसे तैसे अपने घर का खर्चा निकाल ही रहे थे कि ओला उबर ने कुछ दिन पहले ही अपने दामों में 16% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान कर आम आदमी की कमर तोड़ दी थी। लेकिन सोमवार को ओला उबर चलाने वाले चालकों ने किराए में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार के हड़ताल में इनको ऑटो चालकों का भी साथ मिल गया। दिल्ली में टैक्सी, ऑटो और ओला उबर के कैब ड्राइवर्स आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। टैक्सी, ऑटो, मिनी बस, ओला और उबर कैब के पहिए राजधानी में थमे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल के दौरान ड्राइवर हाथों में मांगों के पोस्टर लिए नजर आए। ड्राइवरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, ड्राइवरों ने कहा, हम परेशानी झेल रहे यात्रियों से माफी मांग रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। जो हमारा कारोबार है वो स्कूल और पेरेंट्स से रिलेटेड होता है, जो हम बच्चों को लेके जाते हैं। अब बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है, पेरेंट्स उतना पैसा दे पा रहा है, और जो पेरेंट्स से हम पैसा मांगते हैं तो वो पेरेंट्स नहीं दे पा रहा, और हम बच्चे गाड़ी में नहीं जा पा रहे हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। डेली का डेली खर्चा बढ़ता जा रहा है। सीएनजी 60 रुपए से 72 रुपए आ चुके हैं। पहले 42 रुपए थी, 42 से 50 हुई, 50 से 60, और आज 72 रुपए हो चुकी है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश के अलग हिस्सों से यात्री पहुंच रहे हैं, मगर स्टेशन के बाहर उन्हें कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही है। उन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाना है, परिवार और बच्चे साथ में हैं, मगर काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। गौरतलब है कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ओला और उबर के कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया। उधर दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से भी सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई है। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार सीएनजी के, पेट्रोल के, डीजल के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से आज ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन जो है स्ट्राइक पर है। वजह क्या है? और मेरे साथ एक ऑटो है जो कि स्ट्राइक पे नहीं है, लेकिन उनके जो दोस्त लोग हैं वो स्ट्राइक पर है। उन्हीं से जानते हैं स्ट्राइक की वजह क्या। आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह सीएनजी का रेट जो है ना, पहले 42 रुपये था, जब एक महीना पहले, अभी 72 मतलब 72 रुपये सीएनजी है। उसकी वजह से महंगाई थोड़ा हो रहा है, और क्या कहते हैं, हमारी परमिट का फीस जो उसके वजह से हड़ताल का कुछ यूनियन लोग कर रखे हैं, ठीक है ना। और तो रोड पे चला, आपको लगता है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आप लोगों की तरफ से दाम नहीं बढ़ाए जा रहे, दिक्कत हो रही है? नहीं, दाम हमारे नहीं बढ़ाए, लेकिन वो क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल रेट तो कम होना चाहिए थोड़ा, और कोई दिक्कत नहीं। दाम बढ़ जाएगा तो फिर सवारी नहीं मिले हमें, फिर दिक्कत होगा, इशू हो जाएगा। तो सब्सिडी मिलने से राहत मिलेगी? सब्सिडी मिलने से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि किराया बढ़ाने के साथ साथ ऑटो टैक्सी और कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के सामने 16 मांगे रखी हैं, जिनमें सीएनजी गैस के लिए सब्सिडी देने जैसी मांगे शामिल हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस मामले में कमेटी बनाकर ड्राइवर्स की मांगों पर चर्चा करने की बात कही है, लेकिन ड्राइवर एसोसिएशन अपनी मांगों पर अड़ी है, लेकिन परेशान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही हो रहा है। आई एम रिपोर्ट।